नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर क्षेत्र के विश्वविख्यात महाभारत कालीन श्री शीतला माता बबरे वाली मंदिर पर लगने वाले 7 दिवसीय मेले का ध्वज स्थापना के साथ विधि वत शुभारम्भ हो गया। दरअसल मीरापुर कस्बे के पड़ाव चौक से माता की अखंड ज्योत व ध्वज यात्रा बैंड बाजों के साथ धूमधाम से रघुवीर शरण भैया जी द्वारा स्थापित शीतला माता मंदिर में पहुंची। ध्वज यात्रा में शामिल सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता के भजनों का गुणगान किया और बाद में मंदिर में ध्वज स्थापित किया गया। श्री शीतला माता बबरे वाली की अखंड ज्योत पर ध्वज यात्रा पड़ाव चौक स्थित मंदिर प्रबंध समिति के मंत्री अनिरुद्ध शारदा के आवास से सुबह 8 बजे शुरू हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ मां की ज्योत को लेकर नवनी शारदा व समाज सेवी अरुण शर्मा बैंड बाजों के साथ ध्वज यात्रा के आगे चल रहे थे। ध्वज यात्रा में शामिल सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भजनों की धुन पर मंत्रमुग्ध होकर माता के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया और पैदल यात्रा कर मंदिर परिसर में पहुंचे तथा माता के ध्वज की विधिवत स्थापना की, जिसके बाद माता की आरती की गई। इसके बाद ही मेले का शुभारंभ हो गया। बताया कि इस बार मेला 11 मार्च से प्रारंभ होकर 17 मार्च तक चलेगा और मंदिर में 13, 14 व 15 मार्च को प्रसाद चढ़ाया जाएगा। 15 मार्च की रात्रि को मंदिर परिसर में माता का भव्य जागरण किया जाएगा और 16 मार्च को विशाल भंडारे के आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे और 17 मार्च को मेले का विधिवत समापन होगा। हर गत वर्षों के बाद ही मीरापुर से झंडा लेकर लोग बबरे मंदिर में पहुँचते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो मीरापुर से हर वर्ष झंडा लेके मंदिर पर आते हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भैया कितने श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते हैं सर? मेले के टाइम लगभग 5 लाख श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाते हैं। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।